दिग्गज नेता बनाएंगे रणनीति। आपको बता दें अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। उपचुनाव पर चर्चा करेगी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन समिति और कांग्रेस ने अब तक घोषित नहीं किए हैं उपचुनाव के प्रत्याशी। हम एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें इस वक्त जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस की ये पूरी टीम मौजूद है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज जो है प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने वाली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ टीकाराम जूली यहां पर मौजूद है और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है, क्योंकि तीनों के हाथ में इस वक्त कहीं ना कहीं कमान नजर आ रही है। और इस बार उपचुनाव में अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस सह प्रभारी भी उम्मीदवारों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट देंगे दोपहर 12 बजे। ये जो है कोऑर्डिनेशन समिति की मीटिंग रहने वाली है। तो इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं जयपुर। इस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे हैं। संवाददाता अरबाज लाइव इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि आज बड़ी बैठक कांग्रेस की रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो उपचुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर के कांग्रेस का सबसे बड़ा मंथन है, और एक तरह से आज ये आप मान करके चलिए कि फाइनल हो जाएगा कि टिकट किस किस को मिलना है। उसके बाद में आला कमान इस फाइनल लिस्ट को जारी करेंगे। जो सहप्रभारी थे, ग्राउंड जीरो पर रहे बतौर ऑब्जर्वर, उन्होंने फीडबैक लिया, बातचीत की, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इंटरव्यू किया, तमाम चीज़ों का निचोड़ निकाल करके आज की बैठक में रख देंगे, जिससे जो प्रदेश के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने साथ में लेकर के जाएंगे, दिल्ली इसको पेश करेंगे। दिल्ली से जो लिस्ट है जो उम्मीदवारों की वो जारी की जानी है, उसके मुताबिक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस ने अपना एक विशेष अभियान चला रखा है, लगातार जो इलेक्शन प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी हैं वो बनाए हुए हैं, तो वो ग्राउंड से जो भी फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर बातचीत की जा रही है। सुबह सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंच चुके हैं, खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनके साथ में जो मुख्य सचेतक हैं कांग्रेस की तरफ से एमएलए रफीक खान, ये तीनों लोग वहां उनको लेने के लिए पहुंचे थे, लेकर के अभी सीधे वॉर रूम पहुंचे हैं और एक ब्रीफ इनको दिया जा रहा है मीटिंग से पहले कि क्या। बिल्कुल अरबाज, देखिए आज मीटिंग तो है, लेकिन क्या माने कि इस मीटिंग के कितने समय बाद जो है लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी जाएगी, क्योंकि बाकी पार्टियों ने जारी भी कर दी है और अब समय भी कम बचा हुआ है। देखिए भाजपा ने 6 अपने नुमाइंदों का नाम जारी कर दिया है और कांग्रेस ने अभी तक एक भी नुमाइंदा अपना सामने नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी है उसमें काफ़ी हद तक स्थिति और तस्वीर साफ हो चुकी है कि वो किन्हें मौका देने वाले हैं। ग्राउंड पे सभी को पता है जो 4 सीटें हैं वो परिवार की तरफ जाने वाली है, जो लोग पहले चुनाव लड़ चुके थे। उसके बाद में जो 2 सीटें हैं उनको लेकर के गठबंधन की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट आज तैयार कराई गई है, वो आज इस मीटिंग में पेश की जाएगी कि अगर गठबंधन में लड़ते हैं तो क्या होगा, खुद अकेले लड़ते हैं तो क्या हो गया, दोनों स्थितियों की एक तरह से इसमें तैयारी हो जाएगी। और एक जो 5वीं सीट थी जो भाजपा जीती थी सलुम्बर की, उसको लेकर के भी एक फीडबैक यहां पर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में, जैसे कि हमारी कांग्रेस के सूत्रों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमारे पास में लिस्ट करीब करीब तैयार है, लेकिन जारी उसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि जो बगावत और नाराजगी का एक तरह से दौर भाजपा में देखने को मिल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि टोंक उनियारा के अंदर जो विजय बैसला है उनके समर्थक हैं वो विरोध पर उतर आए, टंकी पे चढ़ गए, तो कांग्रेस नहीं चाहती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने आज ये बड़ी बैठक बुलाई है। अरबाज बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।